रोज कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज कोविड-19 की स्थिति के मुद्दे को लेकर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग करेंगी। हाल ही में पीएम मोदी ने कोरोना की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की थी और महामारी पर कंट्रोल करने के उपाय पर चर्चा की। सोनिया गांधी की मीटिंग में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार समेत कई राज्यों में वैक्सीन की कमी सामने आ रही है। ये मीटिंग ऐसे वक्त में बुलाई गई है जब एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखे गए पत्र में उनसे कोरोना वैक्सीन के निर्यात पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने अपने पत्र में यह भी संकेत दिया था कि अन्य वैक्सीन को भी फास्ट ट्रैक तरीके से अप्रूवल दिया जाना चाहिए, साथ ही जिसको भी जरूरत हो वैक्सीन लगवा सके ऐसी व्यवस्था शुरू करने की जरूरत है। पीएम मोदी की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने ये सवाल भी पूछा था कि टीकों का निर्यात प्रचार को बढ़ाने की कोशिश थी। मुख्यमंत्रियों से 11 से 14 अप्रैल के बीच वैक्सीनेशन फेस्टिवल की पीएम की अपील का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कोरोना मामलों के बढ़ने के बीच वैक्सीन की कमी एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का पहला लाभ भारत को मिला, फिर हम बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस की ओर से ये मीटिंग बुलाई गई है। देखना होगा कि मीटिंग के बाद क्या कुछ सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।